हेलो नमस्कार, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? अभ्यास या सब चल रहा होगा? और आइए, फिर कुछ नया लेके मैं आया हूं आप लोगों के बीच। देखिए, मैंने गायत्री मंत्र में तबला कैसे बजाते हैं ये मैंने बहुत डाला। तबले में गायत्री मंत्र बजाना मैंने सिखाया, कई सारे पैटर्न सिखाए उसमें कि तबले से गायत्री मंत्र कैसे बजते हैं। आज मैं लेकर आया हूं कि गायत्री मंत्र को हम ढोलक में कैसे बजाएंगे। और सबसे मजे की बात यह है कि ढोलक में आज मैं दो प्रकार बताऊंगा आपको बजाने का, जो आपको अच्छा लगे, जो भी स्पीड हो उस स्पीड के हिसाब से आप बजा सकते हैं। तो आज मैं दो पैटर्न लेके आया हूँ गायत्री मंत्र का। और देखिए, गायत्री मंत्र बहुत ही अच्छा मंत्र है, बड़ा ही इसको उच्चारण करने से, इसको पढ़ने से काफ़ी अपने माइंड को रिलैक्स मिलता है। तो दोस्तों, आइए, खुद भी आप घर में बैठ के अभ्यास कर रहे हैं उस समय आप गायत्री मंत्र गाते हुए अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आइए, मैं आज दो डिफरेंट पैटर्न बताऊंगा गायत्री मंत्र में ठेका बजाने का। तो ढोलक पे हम कैसे ठेका बजाएं? तो सबसे पहला ठेका ये है, गायत्री मंत्र स्टार्ट करते हैं। ओम भूर्भुवः स्टाइल तो ये है। दूसरा स्टाइल है, देखिए कैसे, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं सिंपल ठेका, कहरवे का ठेका है। कहरवे में ये पैटर्न मैंने आप लोगों को पहले भी बहुत बताए हुए हैं, जो काफी लोगों ने एक्सरसाइज किया होगा इसका। तो आइए देखिए, जब जो भी पैटर्नों का हम एक्सरसाइज करते हैं वो पैटर्न कहीं ना कहीं हमारे काम आते हैं। तो आज हम देखिए, वो इन पैटर्नों को अगर हमने प्रैक्टिस किया है, आपने किया होगा, तो आज ये हमारे गायत्री मंत्र बजाने में काम आएगा। तो दो ठेके मैंने बताए। पहला ठेका था, उसको हम कहरवे में एलपी बोलते हैं हम लोग रिकॉर्डिंग भाषा में, एलपी। और दूसरा वाला जो था उसको हम डीसी बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एलपी बताऊंगा कैसे बजाना है, ठीक है ना। वो पहले भी मैंने बताया, फिर मैं बता रहा हूँ आपको कि कुछ नहीं करना है। ये छल्ला मैंने कहा था ना, एक स्मॉल छल्ला पहन लीजिए, प्रैक्टिस करने के काम आएगा। तो पहले छल्ला से स्टार्ट करते हैं, बायां और छल्ला एक साथ। क्या बोले? धीन ताता तीन धाना, धीन ताता तीन धाना, सिर्फ ये बोले, ठीक है। अब कैसे बजेगा यहां देखिए, ये छल्ला, छल्ला और बाएं एक साथ, धीन ताता तीन धाना, ठीक है। धा एंड ना, एंड तीन में आपको पता है कि बाएं नहीं बजेगा, सिर्फ ये अकेले बजेगा। तो धीन ताता तीन धाना, ठीक है। और बायां आपको पता है, धीन, जहां भी धीन और धा का साउंड आएगा वहां पे बाएं का सपोर्ट आएगा, जैसे कि धीन ताता तीन धाना, धीन ताता तीन धाना, ठीक है। अब इसको गायत्री मंत्र की स्पीड में बजाएंगे तो कैसे बजाएंगे? धीन ताता तीन धाना, ओम एक पिकअप बजाया, ता ना ना ता ना ना ता, इसको बोलते हैं ता ना ना, जैसे कि ता, ठीक है, ता एक साथ और फिर ना ना, ता ना ना ता ना ना ता, ठीक है, दो बार ता ना ना ता ना ना ता, ये पिकअप है, ठीक हो गया। पहला ठेका सीख लिया आपने, पिकअप देख लिया। अब
सेकंड पैटर्न जो था, तो इसमें क्या है कि जैसे हम पहले वाला ठेके बजा रहे थे ठीक ता ता ठीक गाना ठीक, अब ये चल रहा था, अब यहाँ पे क्या आ गया, ये कंटिन्यू चलेगा, वन टू 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 छल्ला छल्ला ता छल्ला ता छल्ला, ये कंटिन्यू वन टू वन टू वन टू, अगर छल्ला नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन आपका सपोर्ट ये फिंगर्स रिंग फिंगर्स में रहेगा, धिमका 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 धिमका, ठीक है। अब साथ में बाएं लेंगे तो कैसे चलेगा, धीम से स्टार्ट करेंगे, धिमका 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 ता तिता धिंता धिंता तिता, समझ गए, धिंता तिता तिता धिंता धिंता तिता, सिंपल, धिंता तिता तिता धिंता, ठीक है। खुला ये पूरा हाथ ऐसे घूमना चाहिए। अब इसको हम थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे, जब गायत्री मंत्र की स्पीड में लाएंगे तो कैसे बनेगा, ओम भूर्भुवः स्वः अच्छा लगे, पहला वाला दूसरा वाला जो भी अच्छा लगे, गायत्री मंत्र की स्पीड के हिसाब से आप उसको बजा सकते हैं, ठीक है। और दोनों ही पैटर्न की प्रैक्टिस करें, क्योंकि और भी कई सॉन्ग होते हैं जिसमें ये पैटर्न आपके काम आएंगे, तो ठीक है, स्टार्ट कर दीजिए एक्सरसाइज। यह है नया गायत्री मंत्र के साथ प्ले करना, और इसकी प्रैक्टिस करते करते आप कई गानों के साथ भी प्रैक्टिस करेंगे, आपका ढोलक कई गानों के लिए भी तैयार हो जाएगा, ठीक है। कीजिए प्रैक्टिस, फिर मिलते हैं नए एक्सरसाइज, नए कुछ लेकर, नए एपिसोड के साथ। तब तक दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार।